Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Satya. I am Mrs. Anila Imran, and you are watching UV Educational Center. Galileo Galilei का टेक्स्ट है आज हमारे साथ और आज हम इसके ऑलमोस्ट चैप्टर वन के लास्ट पेजेस के करीब हैं. अगर हुआ तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो इसका एक और एक्ट बना लेंगे. सारथी आई थी और सारथी ने इसे बताया था कि प्रोक्यूरेटर आया है और यहाँ पर उसका मेंशन है क्यूरेटर. क्यूरेटर शख्स आ गया है और ये वो था जो यूनिवर्सिटी का एक नुमाइंदा था और आके गैलीलियो को बताना चाह रहा था कि जो इसकी एप्लीकेशन है उसका क्या जवाब हुआ है, क्योंकि गैलीलियो ने एक एप्लीकेशन दी है. बिल दे नहीं सकता, घर के दूध वाले के पैसे नहीं दे सकता है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं और सैलरी बहुत कम है. अब इसने आके उसे कहा कि आई हैव कॉल्ड रिस्पेक्टिंग योर एप्लीकेशन फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी टू 1,000 स्क्वायर. जनाब, मैं आपसे इस मामले में बात करने आया हूँ जो आपने एक अर्जी दी थी अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए, जो कि 1,000 कस्तूरी मेरे बढ़ा दिए जाएं. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आई कैन नॉट रेकमेंड दिस टू द यूनिवर्सिटी. मैं यूनिवर्सिटी को ये पेश नहीं कर पाया और ना ही पेश कर सकता हूँ. यू नो, आप जानते हैं डेट एट द प्रेजेंट टाइम आपकी हालात में क्या हो रहा है. द मैथमेटिकल फिकलिटी, ये जो रियाजी की सलाहियतें हैं ना, इज नो अट्रैक्शन एट अ यूनिवर्सिटी. किसी भी यूनिवर्सिटी में इसमें कोई भी जो है ना अट्रैक्शन नहीं. जैसे आजकल सब एमए इंग्लिश करने को तुले हुए हैं, भाई एमए इस्लामियात की कोई वैल्यू नहीं है, भाई वो नहीं हो सकता जी, उसमें आपका स्कोप नहीं बनता. आगे चले एमए उर्दू को नहीं जी कोई पूछता, एमए इंग्लिश को पूछते हैं वगैरह. भाई मैथ की कोई खास वैल्यू नहीं रही यूनिवर्सिटी के लेवल में. मैथमेटिक्स, अब ये रियाजियात इज अ प्रोफिट लेस आर्ट, कोई ना नफा देने वाला फन नहीं रहा, सो टू स्पीक. मैं आपसे बताता हूँ, नॉट एट दैट रिपब्लिक डज नॉट स्टीम इट मोस्ट हाईली, और ना ही हमारी रिपब्लिक इसको बहुत ज्यादा इज्जत देती है. जल्दी ज्यादा वैल्यू नहीं रही, बच्चे नहीं आते, लोग सीखना नहीं पसंद करते, ड्राई सब्जेक्ट है, वैल्यू कोई नहीं है, आगे नौकरियां नहीं मिलती इसके बाद. इट इज नॉट एज नेसेसरी एज फिलोसफी. फिलोसफी जनाब, फलसफा बहुत जरूरी है, उसके जैसा अहम नहीं है ये. नॉट एज यूजफुल एज थियोलॉजी, और ना ही मजहब की जो दीनी तालीम होती है उसके जैसा ये अहम है. यानी उस जमाने में रियाजियात की कोई अहमियत नहीं थी और फिलोसोफी और थियोलॉजी चलती ही थी, और आजकल फिलोसोफी और थियोलॉजी पीछे चले गए हैं और साइंस आगे आ गई है, डिफरेंट हो गया. बट इट अफोर्ड्स, लेकिन ये क्या कर सकती है, जो लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं. इट्स डिवोटीज सच एज एंडलस प्लेयर, इट्स डिवोटीज के उनके लिए ये एक खसूसी किस्म की प्लेयर है. जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं ना इन्हें, जो लोग चाहते हैं कि भी हम रियाजियात की तालीम हासिल करें, उनके लिए तो बड़ी प्लेजर है. गैलीलियो ओवर हिज पेपर्स, पेपर्स के पास चला जाता है, उनको जाके मेज पे देखता है, कहता है माय डियर मैन आई कैन नॉट मैनेज ऑन 500 स्कोरी. अच्छा चलो छोड़े, आप कहते हैं जनाब इसमें 1,000 की बात नहीं चल सकती, क्या 500 स्कोरी का इजाफा हो सकता है. द क्रिएटर, अब प्रोक्रिएटर और क्रिएटर कहता है, बट सुग्नोर गैलीलियो योर लेक्चर ट्वाइस अ वीक. यू लेक्चर, तुम लेक्चर देते हो हफ्ते में 2 मरतबा, 2 घंटे के, 2 आवर्स एट अ टाइम, एक वक्त में 2 घंटे के लेक्चर देते हो, हफ्ते में 2 दफा आते हो. योर एक्सपेक्टेशनल्स, योर एक्सेप्शनल रेपुटेशन, तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत हो चुकी है, मस्ट श्योरली ब्रिंग यू, तो बहुत ज्यादा तुम क्या ले सकते हो, एज मैनी पीपल्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ले सकते हो, एज यू विश, जितने आप ख्वाहिश करो आप उतने स्टूडेंट्स ले सकते हो. हमें बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं भी हमारी प्राइवेट क्लासेस कर लें, लेकिन वो मैं भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा भी गैलीलियो वाला हाल है कि हमारी रिसर्च और दूसरे काम बहुत ज्यादा होते हैं. अब ये कहता है कि तुम भी प्राइवेट स्टूडेंट्स क्यों नहीं ले लेते हो, ऑल ऑफ होम कैन पे फॉर प्राइवेट लेसन्स. सर कोई आएगा और तुमसे तुम्हारे जाती लेसन्स लेगा और तुम्हें पे करेगा. हैव यू नो प्राइवेट पीपल्स, क्या तुम्हारे पास कोई बच्चे नहीं आते ट्यूशन वगैरह के लिए. गैलीलियो, सर आई हैव टू मैनी, बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं. आई टीच एंड वन आई हैव आई टाइम टू स्टडी. मैं उन्हें ही पढ़ाता जो मैं कब स्टडी करूंगा. गॉड अबव, हाय खुदाया मुझ पर रहम करो. और खुदा जानता है, आई एम नॉट एज ऑमनीसेंट. ऑमनीसेंट क्या होते हैं, साइंसदान किस्म के लोग. ऑमनीसेंट बनाना चाह रहे हैं अपने आप को कि ये जो सारे के सारे साइंसदान है ना, ये माहिर फलकियात है और दूसरे लोग जो है वो माहिर साइंस है. अब ये माहिर साइंस के तौर पर समझता है कि मेरे जो नज़रिए हैं वो मजीद फैलने चाहिए. अब ये कहता है कि मैं उनके जैसे साइंसदान दिमाग का नहीं हूँ, एज द जेंटलमैन ऑफ द फिलोसॉफिक
टॉपिकलिटी, जैसे वो हमारे जेंटलमैन जो है ना, हमारे माने जाने आदमी जो फलसफे की सलाहियत रखते हैं, उन जैसा नहीं हूँ. आई एम स्टूपिड, मैं बेवकूफ हूँ. आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली नथिंग, मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ. ये मेरे गुस्से में कह रहा हूँ. सो आई एम कंपेल्ड टू पैच अप द होल्स इन माय नॉलेज. तो मैं मजबूर हूँ कि अपनी तालीम के साथ छोटे छोटे से ना जो मेरे होल हो चुके हैं ना, उनको पैच अप करता रहूँ, उनको जिसे कहते हैं ना पेवंद लगाता रहूँ. एंड व्हेन एम आई टू डू दैट, और मैं कब ये करूँ, कब मैं ये सारा कुछ करूँ, जे मैं सारे पेचिस अपने कब लगाऊँ, सारे पेवंद कब लगाऊँ, कब मैं अपनी छोटी छोटी काम करूँ, रिसर्च करूँ, छोटे छोटे थीसिस बनाऊँ. व्हेन एम आई टू रिसर्च, कब मैं तहकीकात करूँ. सर माई साइंस इज स्टिल हंग्री फॉर नॉलेज. मेरी जो साइंस है, ये जदीद नॉलेज, जदीद तालीम का इल्म मज़ीद भूखा है कि और लेना है, और हासिल करना है, इसकी तहकीकात मज़ीद करनी है. आई फॉर द आंसर टू आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स, और मुझे देना है अपने ही बहुत बड़े बड़े मसाइल का जवाब देना है. वी हैव सो फार नथिंग, और अभी तक हमने कुछ नहीं किया बट हिपोथेसिस. लेकिन अभी तक क्या है हमारे पास, मफरूजे हैं, बस लिखी हुई चीज़ें हैं, उन पर ही जिंदा है. अभी हमने इस पे काम करना है. आई एम ड्रामन टू ड्रम इन टू एनी ब्लॉक हेड. आई एम ड्रामन, मैं खींचा जा रहा हूँ, मुझे भेजा जा रहा है कि ड्रम जाके वहां पर मैं ढोल बजाऊं. किसके आगे ढोल बजाऊं, ब्लॉक हेड के आगे, एक नलायक शख्स के आगे जाके ढोल बजाऊं, यानी भैंस के आगे बीन बजाऊं. बताना चाहता है कि अगर मैं प्राइवेट स्टूडेंट ले लेता हूँ, निकम्मे और ना शौक रखने वाले होते हैं. जैसे अभी इसके पास वो आया है, इससे पहले लड़का जिसने आके इसे बताया कि जनाब मुझे साइंस वाइंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये लुडविक को आया था अभी इसके पास, और उसने बताया था कि मेरी माँ ने कहा जाके पढ़ लो. तो नालायक था ना वो स्टूडेंट. अब कहता उसके आगे जाके बीन बजाऊं, हु कैन पे द फैक्ट दैट पैरेलल लाइंस मीट्स एट इनफिनिटी. और वो सिर्फ ये जानता है कि ये आरी तिरछी लाइनें हैं जो जाके कहीं मिल रही हैं. ऐसे स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊँ जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है इस सब्जेक्ट में, और ऐसे ही नलायक आते हैं ट्यूशन के लिए. अगर जो लाइक होता है वो तो क्लास में सीख लेता है. द प्रोक्रेटर और क्रूटर, यू शुड नॉट ऑल टूगेदर फॉरगेट दैट. और सबके साथ ये मत भूल जाएं, वाइल दैट पब्लिक मे नॉट पे एज मच एज अ सर्टेन प्रिंसेस टू, बट जो शहजादे दे सकते हैं ना आपको सैलरी या एक्स्ट्रा फीस, वो हमारी ये जमहूरी हुकूमत तो कोई नहीं दे सकते. इट ग्रंटीज फ्रीडम टू रिसर्च. हाँ ये है कि तहकीकात की आपको आज़ादी जरूर दे रखी है. वी इन भाजवा, भाजवा में यहाँ पर जे का साउंड आएगा, एडमिट, तस्लीम करते हैं इवन प्रोटेस्टेंट्स टू आवर लेक्चर्स. ये जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, एहतजाज करते हैं हमारे कुछ बनाए हुए लेक्चर्स को, कुछ बनाए हुए मुफरजों को, कुछ बनाई हुई तहकीकात पर, वो भी एहतजाज करते हैं. एंड वी ग्रांट देम डॉक्टोरेट. सो हम उन्हें क्या दे देते हैं, हम उन्हें जनाब नाजिम का एक दफ्तर बना देते हैं, निज़ाम वाले बना देते हैं. और हमने उन्हें दिया वह कि भाई आप इस दफ्तर में काम करें, यहाँ पर एहतजाजियों को लेके आए, उनके बारे में तहकीकात करें. नॉट ओनली डिड वी वॉन्ट, वी नॉट सरेंडर, और हम नहीं चाहते थे, वी नॉट सरेंडर, हमने हथियार नहीं डाले. सगनीर खड़मेनोनी, खड़मेनोमी, अब ये इसने एमी सा एक नाम ले दिया है, टू द इंक्विजिशन, उसको इंक्विजिशन को दे दिया, तहकीकात वाले को दे दिया. व्हेन इट वाज प्रूव्ड टू अस, जब ये हमारे पास साबित हो गया कि इस शख्स ने कोई तहकीक गलत की है. प्रूव्ड, सगनीर के लिलाई, सगनीर के लिलाई, साबित कर दो. दैट ही गिव्स वेंट टू रिलीजियम अटर्नस. अटर्नस क्या होती है, कलमात कहे उसने, और कौन से कलमात वेंट किए उसने, उसने निकाले. वेंट का मतलब है निकाले, गैर मजहबी कलमात, यानी कुफराना, कुफर, कुफर के उसने कलमात निकाले थे. हमारे दीन के बारे में उसने बातें की थी कि भई उसने यही कोई नई तहकीकात लगाई थी, तो हमने उसे इंक्विजिशन का दे दिया. बट इवन वोटेड हिम अ हायर सैलरी, लेकिन सैलरी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ाती थी, लाइक फाइक था, सैलरी बढ़ाती, लेकिन तहकीकात में इंक्विजिशन के अंदर चला गया था. उसको डरा रहा है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तुम्हें भी इंक्विजिशन में दे दें तो क्या फ़ायदा, तनख्वाह के क्या करोगे तुम, तब इंक्विजिशन की तहकीकात से बाहर ही नहीं निकल पाओगे. यानी ये नज़रबंद इसको भी कर लेते हैं ना बाद में आकर, तो जो मर्जी सैलरी बढ़ा देंगे, ये कहीं जा तो नहीं सकता, जिंदगी अपनी तो ना रही. एज फॉर वे एज हॉलैंड, अगर दूर जाके, ज्यादा दूर जाए ना देखें तो हॉलैंड को ही देख लें. इट इज नाम दैट विंस इज ए रिपब्लिक, वहां पर जाना जाता है कि विनस एक ऐसा दारुल खिलाफा है, एक ऐसा रिपब्लिक है वेयर द इंक्विजिशन हैज नो से. उस जगह पर हॉलैंड के इलाके विनस में
इनक्विजिशन कुछ नहीं कहती, और ये वहां जाएगा, वहां जाके अपनी तहकीकात लेगा, लेकिन वहां भी इनक्विजिशन इसकी तहकीकात को नहीं मानेगी, क्योंकि चर्च के खिलाफ है ना कि जमीन अपने मदार के गिर्द घूमती और बाकी चीजें नहीं घूमती, वहां पर ये काम होगा, ये वीनस में अगले चैप्टर्स में जाएगा। एंड एट द वॉट समथिंग टू यू, और जिसकी आपके लिए कुछ ना कुछ हैसियत होती है, हु आर एन एस्ट्रोनमर, और वो कौन है, वो माहिर फलकियात है, डेट इज डिवोटिंग योर सेल्फ, और वो अपने आप को वक्फ कर देते हैं टू अ साइंस, किसी भी साइंस के लिए, तहकीक के लिए, नए काम के लिए, विच हैज फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी होता है, सीज्ड टू शो, और वो रुक जाते हैं कि वो दिखाएं क्या, आई ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा इज्जत फॉर द टीचिंग ऑफ द चर्च, लेकिन उन्हें जब टीचिंग ऑफ चर्च आ जाती है ना, चर्च के काम आ जाते, तो फिर उन्हें अपनी तहकीक को रोकना पड़ जाता है, उनको रोकना पड़ जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है, क्योंकि वो कंपेल्ड हो जाते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चर्च के नजरियात के मुताबिक चलना है, और अगर वो इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न लेते हैं तो फिर इंक्विजिशन उन्हें घेर लेती है, जैसे नैब उन्हें पकड़ लेती है। गैलीलियो, योर पीपल हेयर हैंडेड सिग्नोर गॉर्डानो ब्रूनो, गॉर्डानो ब्रूनो का नाम हमने याद रखना है, गॉर्डानो ब्रूनो भी एक हकीकी शख्स गुजरा है, और ये उसका असली नाम इन्होंने लिया है, कॉपरनिकल का भी असली नाम, यानी तारीखी शख्सियात है ना, बर्टोल्ड ब्रूचर तारीखी शख्सियात को यूज कर रहा है। अब उसने कहा कि उसको भी तो तुमने पकड़ा दिया था, गॉर्डानो ब्रूनो आपका ये सरगोधा यूनिवर्सिटी के जो होते हैं ना एमसीक्यू टाइप पेपर, उनमें भी आ सकता है। ओवर टू अथॉरिटीज इन रोम, रोम में तुम लोगों ने उसे भी अथॉरिटीज को हवाले कर दिया, बिकॉज ही स्प्रेड द टीचिंग ऑफ कॉपरनिकस, कॉपरनिकस की थ्योरी वो फैला रहा था, इसीलिए तुम लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। द क्रिएटर कहता है नॉट बिकॉज ही स्प्रेड द टीचिंग ऑफ कॉपरनिकस, इस वजह से नहीं कि वो कॉपरनिकस की थ्योरी फैला रहा था, विच आर मोर एवर फॉल्स, वो मजीद बड़ा गलती थी, वो कौन सी सच्ची थी, बट बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेंशियन, इसलिए कि वो वेंशियन का नहीं था, इटली का बशिंदा नहीं था, उसके बाद इस इलाके का पासपोर्ट नहीं था, यानी वो गैर इलाके का था, एंड आल्सो हैड नो अपॉइंटमेंट हियर, और उसके यहाँ पर कोई वीजा शीजा भी नहीं लगा हुआ था, जैसे अगर हम दूसरे मुल्क में रहते हैं तो वहां पर वीजे लगवाते, कहता है वहां पर उसके अपॉइंटमेंट नहीं थी। सो यू कैन लीव आउट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट दिस मैन, इस आदमी का तो बहस मुबासे में नाम ही छोड़ दो, हु वॉज बर्नड एट द स्टेक, जिसको जला दिया गया एक स्टेक पर, स्टेक वही थी एक लकड़ी का लंबा सा हिस्सा था जिसके ऊपर वो आदमी को बाम देते थे, और नीचे छोटी छोटी लकड़ियां फेंक कर तो आग जला देते थे, वो ऊपर जिसे कहते हैं ना हीट अप हो गई, वो जुलस जुलस जाता था, और अस्तग़फ़िरुल्लाह कितनी सख्त सजा ये देते थे। अब यही सजा इन्होंने कॉपरनिकस को दी थी, और कॉपरनिकस के बाद इन्होंने यही सजा जो थी ना इसी शख्स जो हमने भी नाम बताया है गॉर्डानो ब्रूनो को दी, और इसी का ये गैलीलियो को डरा रहा है अभी। बाय द वे फॉर ऑल आवर फ्रीडम यू वुड बी एडवाइज नॉट टू अटर सो लाउडली अ नेम, कहता है भाई मजीद मैं आपको बता सकता हूँ आपकी जो आजादी है, ऐसे शख्स का नाम भी इतनी ऊंची आवाज में ना ले, ऑन विच जिस पर द चर्च हैज लेड इट्स एंथीमा, जिस पर चर्च ने लानत भेजी है, जिस पर चर्च ने बद्दुआ किया, एंथीमा लानत भेजना, नॉट इवन हियर, यहाँ तो बिल्कुल मत दो, मत लो सुगनोर गैलीला, नॉट इवन हियर, यहाँ बिल्कुल उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए मसाइब खड़े हो सकते हैं। गैलीलियो, योर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम इज ऑफ थॉट इज क्वाइट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तुम्हारा सोचों को आजाद करने का, उनको हिफाजत देने का बड़ा ही जबरदस्त नफा बख्श कारोबार है। बाय पॉइंटिंग आउट दैट एल्सवेयर द इंक्विजिशन रूल्स एंड बर्न्स, और तुम मुझे इशारे कर रहे हो, दिखा रहे हो कि ये जो इंक्विजिशन है वो वही हुक्मरानी करती है, वही जला भी सकती है, यू गेट गुड टीचर्स चीप, अच्छे उस्ताद तुम्हें सस्ते मिल जाते हैं इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंक्विजिशन, और तुम उन्हें क्या करते हो जी, हम ना आपको तहकीकात से, हम आपको नैब से बचा रहे हैं जनाब, बस ये हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यू आर एम्बर्स योर सेल्फ, यू एम्बर्स योर सेल्फ बाय पेइंग द वर्स्ट सैलरीज, एम्बर्स क्या कर रहा है, उसको कह रहा है कि तुम रीइंबर्स करते हो, तुम अपने मुआवजे अदा करते हो, किसके लिए, कम सैलरीज पर, छोटी छोटी तनख्वाहों के ऊपर तुम लोग ये हमें मुआवजे देते हो, और भाई हम आपको बचा रहे हैं, ये बताते हो आगे से आके हमें,
आगे जनाब वो शख्स कह रहा है द क्रिएटर, अनजस्ट अनजस्ट, बे इंसाफी, ओह व्हाट गुड टू, व्हाट गुड वुड इट डू यू हैव, यू टू हैव ऑल द फ्री टाइम इन वर्ल्ड फॉर योर रिसर्च, लेकिन क्या ही अच्छा होगा तुम्हारे पास फ्री वक्त होगा रिसर्च करने के लिए, इफ एवरी इग्नोरेंट मोर, अगर आ जाए, ये आप लाइन अंडरलाइन करेंगे कि अगर ऐसा कोई मजहबी शख्स आ जाए जो जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंट हो, बेखबर हो ऑफ द इंक्विजिशन, इस तहकीकात से कुछ सिंपली फॉरवर्ड योर थॉट्स, तो वो आसानी से आके तुम्हारी इन सोचों पर पाबंदी लगा सकता है। नो रोज विदाउट अ थ्रोन, कोई भी फूल कांटों के बगैर नहीं होता, नो प्रिंस विदाउट मॉक्स, और कोई शहजादा इन मॉक्स के, इन मजहबी लोगों के बगैर नहीं होता। सिग्नोर के लिलाई, यहाँ पर उसने एन को यू बना दिया है, बताना यही चाहता है कि तुम अगर आजाद हो तो शुक्र करो कि आजाद हो। ये मॉन्क इनके राहब होते हैं ना जो मजहबी तालीम देते हैं, बताना चाह रहा है कि अगर कोई आ जाएगा ऐसा सर फिरा सा मॉन्क तो उसने तुम्हें ये सारी रिसर्च विसर्च कोई नहीं करने देनी, बेहतर है आसानी से बैठे रहो, छोटे मोटे से जो बनाते हो पहले तहकीकात वैसी करो। एनवर्ट यूज फ्रीडम ऑफ रिसर्च विदाउट फ्री टाइम, और मैं क्या करूं इस आजादी का, इस वक्त का, जब मेरे पास टाइम ही ना होगा, मैं ट्यूशन में अपने टाइम जाया करूंगा, इन विच टू रिसर्च, तो किस वक्त मैं तहकीकात करूंगा, व्हाट हैपेंड टू द रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट फिर क्या होगा। परहैप्स यू वुड केयर टू शो द जेंटलमैन ऑफ द सिनेरियो, सिनेरियो को तो दिखा दो, उसको तो ख्याल करो। दीज इन्वेस्टिगेशंस इनटू द लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडीज, ये जो मैंने तहकीकात की थी, लॉज ऑफ फॉलिंग बॉडी को अंडरलाइन करेंगे, ये इसकी पहली तहकीक है जिसको काफी कामयाबी मिल चुकी है कि चीजें नीचे को क्यों गिरती हैं, ऊपर को क्यों नहीं जाती हैं, यानी कशिश सकल का जो एक कानून था वो भी इसने बताया। ही पॉइंट्स टू अ बंडल ऑफ मैनुस्क्रिप्ट्स, बहुत ज्यादा जो मसवदे होते हैं उनकी तरफ ये इशारा करता है और कहता है एंड आस्क देम, उन्हें बताओ वेदर दैट इज नॉट वर्थ अ फ्यू मोर स्कूडी, क्या इनके जरिए मैं कुछ ज्यादा स्कूडीज लेने का हकदार नहीं हूँ। द क्रिएटर, इट इज मोर देन इनफिनिटली मोर, इनफिनिटली, बहुत ज्यादा ज्यादा ले सकते हो मिस्टर सगनोर गिलिलाई, नॉट इनफिनिटली मोर बट 500 स्कोरी मोर, सर कहता है कुछ ज्यादा मुझे लालच देने की जरूरत नहीं, 500 बढ़वा दो मेरी तनख्वाह। The creator's scooty or worth or scooty, इसकी तो हैसियत है, what scooty will buy, scooty क्या खरीद सकती है, ये पैसा ही पैसा, पैसा पैसा कर क्या सकता है। If you want money, अगर तुम दौलत चाहते हो, you must produce something else, कुछ और बनाओ जनाबी आलिया, ये क्या फजूल फजूल सी तहकीकात रखी हुई है। For the knowledge which you sell, वो तालीम जिसे तुम बेच रहे हो, you can only demand, तुम मुतालबा कर सकते हो, as much as it profits, जितना ही तुम्हें नफा है उतना ही मुतालबा कर सकते हो, यानी जितनी चीज बनाई है उतने ही पैसे मिलेंगे, अच्छी बनाओगे तो अच्छे मिलेंगे, हल्की बनाओगे तो हल्के मिलेंगे। Whoever buys it from you, कौन तुमसे खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल ही ले लेते हैं, फिलोसफी विच सगुडोर गोलम्बे इज सेलिंग इन फ्लोरेंस, अब ये फिलोसफी, ये जो फलसफियाना बातें एक शख्स है सगुनोर कोलम्ब, वो बेच रहा है कहाँ पर, फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस भी इटली का एक इलाका है, वहां पर कहता है उस शख्स ने ये कारोबार किया है जनाब, वहां पर वो अपनी ये तालीम बेच रहा है। ब्रिंग द प्रिंस एटलीस्ट 10,000 स्कूडी अ ईयर, और शहजादे से 10,000 स्कूडी पूरे साल के ले रहा है। जो अर लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, तुमने क्या बनाया है, ये फॉलिंग बॉडीज का लॉ है, क्रिएटिव एक्सटर्ट, ठीक है इसने हलचल मचा दी थी, एडमिटली मैं मानता हूँ इसने हलचल मचा दी थी, अब कोई नई चीजें होनी चाहिए। मैन फॉल्डेड यू इन पेरिस एंड प्रोग, प्रोग में और पेरिस में लोगों ने तुम पर तालियां बजाई, लाके आपने याद रखने कि पेरिस और प्रोग है और फॉलिंग लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज है, इसकी वजह से लोगों ने इस पर तालियां बजा दी थी। बट द जेंटलमैन हु अपॉल्ड, लेकिन जो लोग तालियां बजाते हैं दे आर डू नॉट अनफॉर्चुनेटली पे द यूनिवर्सिटी ऑफ बाजवा, लेकिन वो जो तालियां बजाते हैं ना वो पेशे कोई नहीं करते, पैसा शैसा कोई नहीं देते, बदकिस्मती से यूनिवर्सिटी ऑफ बाजवा जो है ना वो पे करती है व्हाट यू कॉस्ट इट, जो भी आप इसकी कीमत लगाते हैं। यूर मिसफॉर्चून इज यूर सब्जेक्ट, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारा मौजू है, क्या तुमने मौजू चुना होगा इस मौके के लिहाज से, इस सोसाइटी के लिहाज से, इस टाइम और एज के लिहाज से, रियाजियात को, रियाजी को कोई नहीं समझ सकता, सारी फिलोसफी और थियोलॉजियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। सुगनोर के लिलाई, आई अंडरस्टैंड फ्री ट्रेड, फ्री रिसर्च, फ्री ट्रेडिंग एंड रिसर्च, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी आजादाना तिजारत, तुम्हारी आजादाना तहकीकात, तुम्हारी आजादाना तहकीकात और तिजारत और ये सारी तलाश की, मैं सब समझ सकता हूँ। आगे हम इसको दोबारा स्टार्ट लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम ये आप काफ़ी लंबा इसका डायलॉग है, इसको नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। और गैलीलियो के ये अंडरस्टैंड से समझ गया है उसकी बातों को, लेकिन इसके बाद फिर उसे क्रिएटर ने बहुत कुछ समझाना अभी बाकी है।
लेट्स सी दिस वन इन द नेक्स्ट पार्ट एंड अल्लाह हाफिज. और जो लिंक्स आते हैं उनको आगे देखें और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें.